कुरुक्षेत्र में पीपली के पास अंबाला से दिल्ली की तरफ जा रहे आर्मी के एक ट्रक को पीछे से किसी दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे आर्मी के ट्रक में सवार 5 से 6 जवान घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायल जवानों को कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। मामले की खबर मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुट गई। सर, दोनों ही गाड़ी, जो ट्रक कंटेनर और ये जो आर्मी वाली गाड़ी है, ये अंबाले से दिल्ली की तरफ जा रहे थे दोनों ही गाड़ी। जैसे आर्मी वाली गाड़ी थोड़ी स्लो थी, इसके आगे ट्रैफिक थी, और ये गाड़ी पीछे से जो ट्राला, ये भी इसके बिल्कुल नजदीक था। जैसे ही गाड़ी स्लो हुई तो इसके पीछे से टक्कर मार दी, तो जैसे ये गाड़ी घूम गई तो इसमें 4 फौजी इंजर्ड है, जिनको एम्बुलेंस बुला के और हॉस्पिटल में इनको पहुँचा दिया। कोई जान का नुकसान तो नहीं? जान का नहीं है जी, छोटे हैं। कितने आदमियों को? 4 बंदों को। और सर, ये जो ट्रक के अंदर कितने बंदे थे सर? ये तो मौके से भाग गया, तब तक हम आए यहाँ पे था नहीं है, गाड़ी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। तो उसके लिए क्या जाने? इस हादसे में एक सैनिक के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। मिली जानकारी के अनुसार बड़ा खतरा होते होते टल गया, वही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बता दें कि अंबाला से दिल्ली की ओर जा रहा आर्मी का कैंटर ट्रैफिक के कारण धीरे चल रहा था, इसी दौरान पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।